आज भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी रविवार हुआ, 30 अगस्त 2020 का पंचांग। तो द्वादशी तिथि का मान आज रह गया दिन में 8:42 तक, 9:45 कहिए। उत्तराखाड़ नक्षत्र दिन में 3:18 तक। सौभाग्य योग जो हुआ अच्छा योग है, 4:16 तक। बालव कर्ण हुआ 7:33 पल, उसके बाद कौलव कर्ण आ जाएगा, अमृत सिद्धि योग हो जाएगा, योगा अमृत हो जाएगा, 30 अगस्त हो जाएगा। और फसली आपको 27 तारीख हो जाएगा और राष्ट्रीय 8 तारीख हो जाएगा। आज दिन रात चंद्रमा जो है सो मकर राशि पर ही रहेंगे, तो मकर राशि वाले के लिए चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा। और प्रदोष व्रत है, महारविवार व्रत है, भाषिव के लिए प्रदोष व्रत हुआ और रविवार सुंदरायन का हो गया। और कल जो कर्मा एकादशी जो हुआ था उसका आज पारण हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा, सुबह सुबह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और श्री विष्णु परिवर्तन उत्सव मनाया जाएगा, शक्र ध्वज उठापनम होगा, दही का दान आज करना रहेगा, दूध का त्याग करना है, ये दूध त्याग व्रत आरंभ हो जाएगा। और पूर्वा फागुन नक्षत्र रवि आपको रात्रि से 5:30 के बाद होगा, अर्थात माने कि 31 अगस्त हो जाएगा 12 रात्रि के बाद से। इसमें स्त्री पुरुष योग है, तो स्त्री पुरुष अच्छा योग माना जाता है। और सूर्य चंद्र योग है, यह भी वर्षा के लिए अच्छा योग है। मंडूक वाहन है, मेहरक है, ये भी अच्छी बात है। अमृता नारी भी हो गया, ये भी शुभ योग है, अर्थात चारों शुभ योग मिलने के कारण तदेशो चंद्र सुवृष्टि योग है, अच्छी वर्षा होगा इसमें। और मुस्लिम पर मुहर्रम आज हो गया। और कल का भी थोड़ा सा अध्ययन करिए लिया जाए लगले, तो कल आपको भादो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार हो जाएगा 6:57 तक, और दिन के 8:30 तक के त्रयोदशी तिथि रहेगा। और श्रवण नक्षत्र 3:52 शाम तक रहेगा, यह अति शुभ योग है भगवान शिव के लिए, क्योंकि दिन भी सोमवार अच्छा है, त्रयोदशी तिथि भी शिव जी का है और श्रवण नक्षत्र भी है, शोभन योग है गया, तेतिल कर्ण हो गया, सिद्धि योगा हो जाएगा। कल 31 अगस्त हो जाएगा और कुंभ राशि के चंद्रमा आपको कल आ जाएगा रात्रि 4:25 भोर में हो जाएगा, पंचक आरंभ हो जाएगा कल से। स्वार्थ मित्रता सिद्धि योग 3:52 के बाद हो जाएगा, रवि योग भी 3:52 के बाद से हो जाएगा। ये सब शुभ योग हैं, अच्छा योग हैं, इसमें शुभ काम करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।